उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को 73 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव होना है। प्रथम चरण के चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इस चरण में उतरे कई उम्मीदवारों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, पहले चरण में उतरे कई प्रत्याशी करोड़पति हैं तो कई के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों में से 302 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 168 ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 836 उम्मीदवारों में 302 करोड़पति हैं, जबकि बीएसपी के 73 में से 66, बीजेपी के 73 में से 61, एसपी के 51 में 40, इसके साथ गठबंधन कर रही कांग्रेस के 24 में 18, आरएलडी के 57 में 41 और 293 निर्दलीय उम्मीदवारों में 43 ने 1 करोड़ संपत्ति से ज्यादा की संपत्ति घोषित की। यूपी चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2,81,00,000 रुपए है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण किए गए 836 उम्मीदवारों में 168 ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि 143 उम्मीदवारों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं कुल 186 उम्मीदवारों ने अपना पैन से संबंधित विवरण घोषित नहीं किया है। यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर की ओर से पहले चरण का चुनाव लड़ रहे 98 राजनीतिक दलों के 839 उम्मीदवारों में 836 उम्मीदवारों के दिए गए हलफनामे के आधार पर आकलन किया गया है। तो रिपोर्ट पर नजर डाले तो बीएसपी के उम्मीदवारों के करोड़पति होने की संख्या ज्यादा है। जुर्म अपराध के साए में रहने वाले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल कानून व्यवस्था में सुधार और अपराध मुक्त वातावरण देने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से पार्टियों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। देखते रहिए डीबी लाइव।